हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 5 सुदामा चरित कविता के अंतर्गत आओ करें 1 2 3 और मेरी बारी 1 जो है करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको पद्यांश के अर्थ समझाए थे। आप एक बार इस पद्यांश के अर्थ की एक स्टोरी भी सुन लीजिए, है ना, ताकि आपको वो चैप्टर जो है पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक स्टोरी है, इसको सुनिएगा आप लोग, तो आपको पद्यांश के अर्थ अच्छे से बन जाएंगे। कृष्ण व सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा बहुत निर्धन ब्राह्मण थी, वे भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि आपने बताया है कि आप और कृष्ण घनिष्ठ मित्र हैं। कृष्ण द्वारका के राजा हैं, वे दीनों के नाथ हैं। यदि आप वहां जाकर उन्हें अपनी दुर्दशा बताएंगे तो वे अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा उनसे मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने मित्र कृष्ण से मिलने खाली कैसे जाएं? उनके पास उन्हें भेंट देने के लिए 5 सुपारी तो दूर 4 चावल भी नहीं है। यह सुनकर सुदामा की पत्नी अपने पड़ोस में जाकर 1/2 सेर चावल मांग कर ले आई और अपने पति के गमछे में उसे बांध दिया। सुदामा वहां से द्वारिका की ओर चल दिए। जब सुदामा द्वारिका नगरी में पहुंचे तो वहां की भव्यता को देखकर हैरान रह गए। कृष्ण के द्वार पर खड़े द्वारपालों को देखकर उन्होंने कहा कि वे कृष्ण को बता दें कि उनका मित्र सुदामा आया है। जब द्वारपाल ने महल में जाकर कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना दी तो वे अपना राजकाज छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा से उनका हाल पूछा और उन्हें अपने गले से लगा लिया। उसके बाद वे उन्हें अपने महल में ले आए। कृष्ण ने सुदामा का खूब स्वागत किया और हंसी मजाक करते हुए कहा कि भाभी ने जो भेजा है वह उन्हें देते क्यों नहीं, तुम्हारी आज भी चोरी करने की आदत नहीं गई। उन्होंने बचपन की बातों को याद करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि जब गुरु माता हमें चने दिया करती थी तो भी तुम उसे अकेले ही खा जाते थे। अब जल्दी से भाभी का उपहार दे दो। कुछ दिनों तक कृष्ण के आतिथ्य का आनंद उठाने के बाद उन्होंने कृष्ण से विदा ली। जब सुदामा कृष्ण की नगरी से वापस लौटने लगे तो उन्होंने उसे बिना कुछ दिए भाभी को उपहार दे दो ही लौटा दिया। इसी कारण सुदामा तुम्हारी आज भी चोरी की आदत है। उन्होंने बचपन की बातों को याद करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा कि गुरु माता हमें चने दिया करती थी तो भी तुम उसे अकेले ही खा जाते थे। अब जल्दी से भी भाभी का उपहार दे दो। कुछ दिनों तक कृष्ण के आतिथ्य का आनंद उठाने के बाद उन्होंने कृष्ण से विदा ली। जब सुदामा कृष्ण की नगरी से वापस लौटने लगे तो उन्होंने उसे बिना ही लौटा दिया। इसी कारण सुदामा रास्ते में सोचने लगे कि वह बेकार ही यहाँ आए। वह रास्ते पर अपनी पत्नी और मित्र को कोसते हुए आए। जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे वे वहां की भव्यता को देखकर भ्रमित हो गए और सोचने लगे कहीं वे दोबारा द्वारिका नगरी तो नहीं पहुंच गए। लेकिन कुछ समय बाद वह जान गए यह उनका ही गांव है, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिल रही है। इसलिए वह गांव वालों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं। अंत में वह समझ जाते हैं कि यह उनके प्रिय मित्र भी श्री कृष्ण की ही महिमा है। वह उनका गुणगान करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ईश्वर की कृपा से यह संभव हो सका है कि जहाँ टूटी झोपड़ी थी वहाँ अब सोने का महल शोभा दे रहा है। जहाँ पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे वहाँ अब हाथी लिए महावत खड़े हैं। जिसे कठोर भूमि पर नींद आ जाती थी उसे आज मुलायम बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। जहाँ उसे व उसके परिवार को खाने के लिए मोटा अनाज भी नहीं मिलता था आज ईश्वर की कृपा से मेवा आदि भी उसे अच्छे नहीं लगते। अर्थात ईश्वर की कृपा से सुदामा व उनका परिवार इतना अधिक संपन्न व तृप्त हो चुका है कि उन्हें अब संसार की किसी और वस्तु को पाने की लालसा ही नहीं रही। तो ये कहानी है, इसी को पद्यांश के रूप में दिया गया है। पद्यांश भी हमने आपको अच्छे से बता दिए थे, ये स्टोरी सुन लिए तो आपका जो है पूरा चैप्टर आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखिए आओ करे एक, है ना, आओ करे एक में देखना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विप्र सुदामा कृष्ण के कौन थे, सहोदर भ्राता, बाल सखा, पुरोहित, अनुज भ्राता। तो ये
में क्या होगा? आंसर बाल सफर। कृष्ण की आंखों की तुलना किससे की गई? गुलाब के फूल से, गेंदे के फूल से, कमल के फूल से, जूही के कली से, तो कमल के फूल से। थर्ड क्वेश्चन है, सुदामा की पत्नी सुदामा को कहाँ भेजना चाहती थी? सुदामा की पत्नी सुदामा को द्वारिका भेजना चाहती थी। अगला, सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या मांग कर लाई? है ना, तंदूर, कोदो, पान, चना, तंदूर। कृष्ण और सुदामा बचपन में किस ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे? द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, सांदीपनी। सांदीपनी। अब देखिए आओ करिचार, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? तो आंसर लिखेंगे आप लोग, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के बारे में कहा है कि उनके नयन कमल के समान है, उनके माथे पर हर कष्ट को दूर करने वाला तिलक है, उनके कानों में कुंडल और माथे पर मुकुट है, उनके वस्त्र पीले हैं और गले में वैजंती की माला है, उनके चार हाथ हैं और अपने हाथों में वे शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सुदामा की पत्नी सुदामा को द्वारिका क्यों भेजना चाहती थी? तो आंसर लिखेंगे आप लोग, सुदामा की पत्नी सुदामा को द्वारिका इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण उनके पति के बाल सखा हैं, इसलिए अपने मित्र की दरिद्रता सुनकर जरूर उनकी मदद करेंगे, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द्वारपाल ने कृष्ण से सुदामा के बारे में क्या कहा? तो आंसर लिखेंगे, द्वारपाल ने आकर कृष्ण को परिचय देते हुए कहा कि प्रभु उनके उसके सिर पर न पगड़ी है, तन पर कोई कुर्ता, न जाने बेचारा किस गांव का रहने वाला है, उसकी धोती भी फटी हुई है और उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि पैरों के लिए जूते खरीद सके। वह दुबला पतला ब्राह्मण अपनी धरती की शोभा को चकित होकर देख रहा है, है ना, और वह सबसे दीन दयाल का घर पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, द्वारिका में कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? तो आंसर लिखेंगे, जैसे ही सुदामा ने द्वारपाल ने सुदामा के आने की सूचना दी, वैसे ही श्री कृष्ण सारा राजकार छोड़कर उनके स्वागत के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़े। वे अपने मित्र को गले लगाकर ले आए और आसन पर बिठाया, फिर उनसे उनका हाल पूछा और शिकायत भी की कि वे इतने दिन बाद क्यों आए, उन्हें पहले ही आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, द्वारिका से लौटते समय सुदामा को अपनी पत्नी पर क्यों गुस्सा आ रहा था? तो आंसर रहेगा, सुदामा जब द्वारिका से लौटे तो खाली हाथ लौटे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कृष्ण को जो अपने मित्र को देना था वे दे चुके। यह बात सुदामा नहीं समझ सके और खाली हाथ लौटते हुए सोच रहे थे कि पत्नी के कहने पर ही यहाँ कुछ पानी की आशा में आए थे और कृष्ण ने खाली हाथ लौटा दिया, इसी बात पर उन्हें अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। अब आओ करें तीन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण ने चावल के बहाने सुदामा की किस आदत का उल्लेख किया? तो आंसर लिखेंगे कि कृष्ण के ठाट बाट को देखकर सुदामा को लगता है कि वे अपने मित्र को चावल जैसी तुच्छ भेंट कैसे दे सकते हैं। इसी संकोच के कारण वह चावल की पोटली अपनी कांख में दाबकर छुपाने लगते हैं। उनके इस संकोच को कृष्ण भाप जाते हैं और परिहास करते हुए कहते हैं कि भाभी ने जो उपहार मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, उसे क्यों छुपा रहे, वैसे भी तुम बचपन से ही चोरी की कला में प्रवीण हो। बचपन में जब हमारी गुरु माता हमारे लिए गुड़ और चने देती थी तब तुम उन्हें उसे भी छुपा लेती थी और अकेले ही खा जाती थी। अब अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द्वारिका से खाली हाथ लौट रहे सुदामा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा, देखिए, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा सोच रहे थे कि कृष्ण कैसे उनसे खुश होकर मिले और आदर सत्कार किया, लेकिन उन्हें साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बाल सखा कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि राजा बन जाने से क्या होता है, यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही के लिए घर घर भटका करता था। फिर वे अपनी पत्नी को भी कोसते हैं कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, उसने ही जबरदस्ती मुझे भेजा, अब जाकर कहूंगा कि ये लो ये सारा धन और समेट कर रखो। फिर आगे सोचते हैं कि वे अपने मित्र को श्राप भी नहीं दे सकते क्योंकि वे बचपन के मित्र हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि उन्होंने जितना मुझे दिया उतना उन्हें ही मिले। अब अगला क्वेश्चन है, जब सुदामा वापस लौटे तो अपने घर और गांव में क्या परिवर्तन पाया? तो आंसर रहेगा, सुदामा जब अपने घर में गांव में पहुंचे तो देखा कि द्वारिका की तरह यहाँ भी बड़े बड़े महल नजर आ रहे हैं। उनकी झोपड़ी उन्हें नहीं मिली,
झुंडी की जगह बड़ा महल खड़ा था और दरवाजे पर हाथी बंधे थे। महल भी सारे सोने के थे। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से घर में सारी सुख सुविधाएं आ गई। एक समय उन्हें कोदो सावा जैसे मोटे अनाज खाने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब यह हाल हो गया है कि उन्हें अंगूर और मुनक्के भी अच्छे नहीं लग रहे थे। एक समय उनके पास गांव में जूते नहीं होते थे और अब घर से निकलते ही महावत यानी कि हाथी लेकर खड़ा हो जाता, महावत जो है हाथी लेकर खड़ा हो जाता है। पहले उन्हें कठोर भूमि पर सोना पड़ता था और अब गद्दे और तकिए पर भी नींद नहीं आती थी। ये हो गया आपका आओ करे 1 2 3। अब निकालना है आपको सेकंड वाली जो बुक है आपकी, उसमें देखिए पेज नंबर 15 सुदामा चरित ये करके दिया है ना, तो दी गई कविता को पढ़कर उन्हें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक आपने गद्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, मित्र वो इस प्रकार है ना, मित्रता अतुल्य है बहुमूल्य है ये भावना, अहम का है समर्पण सम्मान की ये साधना, सुखद कोमल भावनाओं का समागम मित्रता, प्राण इस संबंध का है वचन की प्रतिबद्धता, आस्था हो मित्र पर सब व्यवहार से व्यवहार हो सदा कुसुमित रहे कानन बस यही उद्गार, शुभेच्छा संदर्भ सहित स्नेह का उपहार हो मित्रता में सदा निज स्वार्थ का प्रतिकार हो, मन का सामंजस्य है ये देव का वरदान है, नमन है उनको उसको जो रखता मित्रता का मान है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कविता का उचित शीर्षक लिखिए, तो कविता का उचित शीर्षक है मित्रता या मित्रता का महत्व, कुछ भी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मित्रता का प्राण किसे कहा गया है, तो आंसर लिखेंगे वचन की प्रतिबद्धता को मित्रता का प्राण कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन मित्रता में किसका प्रतिकार आवश्यक है, तो आंसर मित्रता में सदा निज हित का प्रतिकार आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कवि ने किसको नमन योग्य माना है, तो आंसर लिखेंगे कवि ने मित्रता का मान रखने वाले को नमन योग्य माना है। तो ये आज चैप्टर जो है सुदामा चरित आज आपका यहाँ समाप्त हो गया। आज आपको क्या करना है आओ करे 1 2 3 4 और मेरी बारी 1 जो है आपको करना है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।